सो गुड आफ्टरनून, हम आज की क्लास शुरू कर रहे हैं जिसमें कि है आपका फर्नेसेस के बारे में। हमको जानना है कि फाउंड्री में कितनी फर्नेसेस हम यूज करते हैं, कौन कौन सी फर्नेस होती है, किस किस को हम यूज करते हैं। आइए अब हम इस पर बात करते हैं, फाउंड्रीज में कौन कौन सी फर्नेसेस यूज की जाती हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ढलाई करने के लिए। फाउंड्रीज मतलब ढलाई जहां पर होती है वहां पर कौन कौन सी भट्टियां होती है। तो भट्टियों के बारे में ये तो हम सब जान ही गए, पहले भी मैंने प्रश्न पूछा था कि जो फर्नेस की उपयोगिता क्या है। तो यहाँ पर हम उपयोगिता के बारे में जाने, तो उपयोगिता हम एक चीज जानते हैं कि मेटल को पिघलाने के लिए हमको भट्टियों की आवश्यकता होती है। आज मैंने कोई वीडियो नहीं भेजा था आपको, एक पीडीएफ भेजी थी जिसमें कि हम टाइप्स ऑफ फर्नेस के बारे में जान लें। और इसमें मैं स्पेशली चाहता हूं कि एक पिछली बार मेरे को बताया गया था कि सर क्रूसिबल फर्नेस के बारे में कुछ बताया जाए, तो वो भी अपन इसमें कवर कर लेंगे। बेसिकली ये है कि इन ऑल हम जानना चाहते हैं कि फाउंड्रीज में कितने प्रकार की फर्नेस है। कुछ हम पढ़ चुके हैं डिटेल में, क्यूपला फर्नेस पढ़ चुके हैं, इंडक्शन फर्नेस पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको कवर अप करेंगे, सम अप करेंगे इस सब्जेक्ट को, और इस सब्जेक्ट के बारे में जानेंगे हम, इसमें हम कितने प्रकार की फाउंड्रीज यूज होती हैं, फाउंड्रीज में कितने प्रकार की फर्नेस यूज होती हैं, उसमें क्रूसिबल फर्नेस क्या होती है, और यदि टाइम ने परमिट किया तो हम कास्टिंग डिफेक्ट्स के बारे में भी देखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट स्लाइड जो ला रहा हूँ उसमें मैं ला रहा हूँ टाइप्स ऑफ फर्नेसेस। कोई भी क्वेश्चन आपका बीच में आप चैट से डाल दीजिए, और जो लोग अभी अभी आए हैं वो अपना रोल नंबर इस पे लिख के डाल दें, दो तीन लोग आए हुए हैं तो चैट में रोल नंबर डाल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप लोग आए हैं। तो अब हम यहां पर शुरू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ फर्नेस। तो टाइप्स ऑफ फर्नेस जो कॉमनली यूज होती है फाउंड्री में, क्यूपुला हम काफी डिटेल में पढ़ चुके हैं क्यूपुला फर्नेस के बारे में। इसके बाद डायरेक्ट फ्यूल फायर्ड फर्नेस, मतलब इसमें जो डायरेक्ट फ्यूल फायर्ड में क्या होगा कि जिस प्रकार आप देखते हैं कि अभी हमने जो देखा था इनडायरेक्ट में इंडक्शन का मीनिंग लिया था हमने, यहाँ पर डायरेक्ट में फायर्ड फ्यूल है, देन क्रूसिबल फर्नेस भी है जिसको आपके बारे में जानना चाहते हैं आप। इसके बाद इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के बारे में भी आइडिया दिया जाएगा, और इंडक्शन फर्नेस। तो ये अपन कोई भी कभी पूछे आपसे कि कितने प्रकार की फर्नेसेस होती है, तो क्यूपुला आपने डिटेल में पढ़ लिया, इंडक्शन डिटेल में पढ़ लिया, लेकिन आप और भी नाम बता सकते हैं, इलेक्ट्रिक आर्क है, क्रूसिबल है, डायरेक्ट फ्यूल फायर्ड है। हम इसमें आगे बढ़ते हैं और पहले देखते हैं क्यूपुला, हम पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ साइलेंट फीचर्स जस्ट टू रिमाइंड कि ये वर्टिकल होती है, सिलेंड्रिकल शेप में होती है, और इसमें बेस के पास में टेपिंग के लिए स्पाउट होता है जिसमें से हम मोल्टन मेटल निकालते हैं। ये कास्ट आयरन के लिए ही उपयोग में आती है, पिग आयरन जो मैंने बताया था। इसमें खास बात है कि टंस में अपन कास्ट आयरन निकालते हैं, मतलब बड़े लार्ज स्केल पर जब चाहिए तो हम कास्ट आयरन को टन में, मतलब पहले इसके लिए हमारे पास जरूरी है कि बहुत सारे मोल्ड रेडी हों, जिससे कि हम इतने बड़े अमाउंट को मोल्ड में फिल करके केविटी को और कास्टिंग ले सके। एक और चीज इंपॉर्टेंट इसमें बताई है चार्ज, तो इसमें चार्ज के बारे में जहां तक बात थी तो उसमें तीन चीजों को हम चार्ज बोलते हैं, नंबर एक कोक पहली लेयर, इसके बाद फ्लक्स, और तीसरी मेटल। अब हम यदि कोई स्पेशल प्रॉपर्टी देना चाहते हो कास्टिंग में जिस मेटल की हम बनाना चाहते हैं, तो हम उसमें अलाइन एलिमेंट्स भी मिला सकते हैं चार्जिंग डोर के द्वारा। तो इस प्रकार से ये क्यूपुला के बारे में हम देख चुके हैं। अब हम आते हैं डायरेक्ट फ्यूल फर्नेस पर। डायरेक्ट फ्यूल फर्नेस में हम जो फ्यूल के रूप में यूज करते हैं कोक नहीं, बल्कि नेचुरल गैस के बर्नर्स, जो हमारे बर्नर होते हैं वो एलपीजी वाले होते हैं घर के, यहाँ पर हम जो यूज करते हैं नेचुरल गैस फ्यूल्स यूज करते हैं फर्नेस के साइड में, और ओपन हर्ड्स है, छोटी सी फर्नेस है जिसको कि हम नेचुरल गैस फ्यूल बर्नर्स के द्वारा करते हैं। फर्नेस को जो एक्शन मिलती है वो हमारी फ्लेम डाउन अगेंस्ट, मतलब ऊपर से कवर रहता है जहां से के डाउन होकर के फ्लेम्स आती है और वो हीट करती है। और सिमिलरली जैसा हमने देखा था कि वहां पर साइड में एक हर्थ होता था जिससे कि अपन मोल्टन मेटल निकालते थे, डायरेक्ट फ्यूल में बॉटम में हर्थ होता है, एक टेप होल होता है जिससे कि हम मोल्टन मेटल निकालते हैं।
इसका उपयोग डायरेक्ट फ्यूल फायर्ड फर्नेस का उपयोग जो होता है वो कॉपर बेस अलॉय या एल्यूमिनियम। यदि आप डायरेक्ट फ्यूल फायर्ड फर्नेस के बारे में और देखना चाहें तो जो हम एल्यूमिनियम के पीसेस बनते हुए देखते हैं या कुछ स्टेचू टाइप के, कुछ मूर्तियां टाइप के, तो वो जो हमारे बनते हैं वो डायरेक्ट फ्यूल फायर्ड फर्नेस से ही बनते हैं। तो डायरेक्ट फ्यूल फर्नेस देन क्रूसिबल, इसके बारे में आप लोग बहुत ज्यादा जानने के इच्छुक थे कि ये एग्जाम में आती है। तो इसमें देखिए कि इसमें जो मेटल मेल्ट होती है वो फ्यूल मिक्सचर, जो बर्निंग फ्यूल मिक्सचर है उसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आती, बल्कि फ्यूल मिक्सचर और मेटल के बीच में क्रूसिबल होती है। खास चीज ये है इसकी, तो इसलिए हम इसको इनडायरेक्ट फ्यूल फायर्ड फर्नेस भी कहते हैं। जबकि पिछले वाले को हमने देखा था वो कैसे देखा था, डायरेक्ट फ्यूल में क्या था कि हमने मतलब मेटल रख दिया, मेटल का स्क्रैप रख दिया और उसको फ्यूल से हमने जलाया, उससे फ्लेम बनी है, ऊपर से फिर वो फ्लेम को कवर्ड कर दिया है तो वापस वही फ्लेम रिसाइकल हो रही है। और डायरेक्ट फ्यूल फर्नेस ये इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट का मतलब कि एक तरफ आपका बर्नर रहेगा बर्निंग फ्यूल का और एक तरफ मेटल रहेगी और बीच में क्रूसिबल रहेगी, यानी हीटिंग जो होगी वो क्रूसिबल की होगी। और क्रूसिबल किस चीज की होती है, ये कंटेनर होता है, कटोरी जैसा होता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज क्या रहेगा, वो बड़ा छोटा हो सकता है। ये रिफ्रेक्टरी मटेरियल का बना होता है या हाई टेम्परेचर स्टील अलॉय। स्टील अलॉय हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि ये स्टील को पिघलाने के काम में नहीं आता, बल्कि ये ब्रांज हुआ, ब्रास हुआ, जिंक का अलॉय हुआ, एल्यूमिनियम हुआ, जिनके की मेल्टिंग पॉइंट हम देखें कि आयरन से कम होते हैं, क्योंकि आयरन के 1600-1700 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब 1680 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और आखिरी में इसमें हम ये देख सकते हैं, कुछ चित्र हम बना दें इसके साथ में, तो यहाँ पर जो तीन तरह के उपयोग में आते हैं, एक लिफ्ट आउट मतलब हम डायरेक्ट उठा लेंगे, एक स्टेशनरी रहेगा, एक टिल्टिंग जिसको हम झुका लेंगे। टिल्टिंग का अपन एग्जाम्पल लें तो आप लोगों ने जब छत भरती है तो वहां पर एक मिक्सर रहता है और वो एक आती है बकेट, उसमें वो टिल्ट होकर के और RCC का जो मिक्सर बनता है उसको अपन ऊपर ले जाते हैं, तो टिल्टिंग भी है। तो क्रूसिबल की खासियत क्या हुई वो अपन यहाँ चित्र में देखें। क्रूसिबल में सबसे पहले यहाँ पर जो पिक्चर दिख रही है आपकी, इसको मैं और बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। हाँ अब ठीक है, तो यहाँ पर देखें ये तीन तरह की है। यहाँ पर देखें ये आप देखेंगे कौन सी वाली हो गई आपकी, लिफ्टेड आउट, मतलब ये देखिए आप ये चीज जो है इसको बोलते हैं हम क्रूसिबल, लिफ्ट आउट क्रूसिबल। और ये कवर है, कवर को हटा के हम क्रूसिबल को ऊपर उठा लेंगे और पिघले मेटल को यूज कर लेंगे। ये क्रूसिबल को जो गर्म किया जाता है वो यहाँ से फ्यूल को बर्नर के थ्रू यहाँ पर हीटेड किया जाता है। और यहाँ पर जो है चूंकि हीटिंग है, फर्नेस है, तो यहाँ पर रिफ्रेक्टरी मटेरियल होगा और जो क्रूसिबल रखी होती है वो एक सपोर्ट ब्लॉक पर रखी होती है जो कि ऑफकोर्स रिफ्रेक्टरी मटेरियल का ही होगा जो पिघले ना, क्योंकि यहाँ पर हीट है। अब हम आते हैं दूसरे तरीके के स्टेशनरी। स्टेशनरी में हम बात करें तो इसमें हम क्रूसिबल को उठाते नहीं है बल्कि हम इसमें से मेटल को लेते हैं, मतलब लेडल को लाएंगे, इसमें डिप करेंगे और इसमें से लेकर के जाएंगे। तो ये स्टेशनरी वाला रहेगा, तरीका वही है, फ्यूल यहाँ से है, रिफ्रेक्टरी मटेरियल की बॉर्डर्स बनी हुई है, नीचे सपोर्टिंग ब्लॉक है और ये जो मटेरियल है ये क्रूसिबल है आपका जिसमें की मेटल रखा हुआ है और हीट के कारण वो पिघल रहा है। अब हम इसमें बताएं टिल्टिंग में, टिल्टिंग में गोल गोल हैंडल देख रहे हैं, इससे पूरी क्रूसिबल जो है वो आपकी टिल्ट हो सकती है, आड़ी हो सकती है, तो इसके लिए लेडल रखा रहेगा। लेडल हम उसको बोलते हैं जिसमें हम पिघला हुआ मेटल लेकर के जाते हैं मोल्ड केविटी में डालने के लिए, वो भी मैं आपको इसमें दिखाऊंगा। तो लेडल में डालने के लिए हम इसको टिल्ट करते हैं और यहाँ से हमारा जो कवर और इसके बीच में स्प्राउट बना हुआ है यहाँ से आपका पूरा पिघला मेटल आता है। इसमें इसकी आउटर बाउंड्री जो रहती है रिफ्रेक्टरी के बाद वो स्टील सेल की बनी होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये टिल्टिंग हैंडल है। इस प्रकार से ये तीन तरह के क्रूसिबल फर्नेस है, लिफ्ट आउट जिसको हम पिघलने के बाद उठा लेंगे क्रेन की मदद से, देन स्टेशनरी जिससे के मोल्टन मेटल को हम लेडल करके ले जाते हैं वहीं से, और टिल्टेड पॉट जो आपने यहाँ पर देखा टिल्टेड पॉट। तो ये क्रूसिबल के बारे में आप लोगों की जानकारी थी, उसमें आप लोग जो इसमें पॉइंट्स या साइलेंट फीचर्स वो लिख दें, टाइप्स लिख दें और किसी भी एक तरीके का फिल्म पिक्चर बना दें, मतलब फिगर ड्रा कर दें और उसके कंपोनेंट लिख दें कि एक बर्नर है, रिफ्रेक्टरी है, ये है। और इस तरीके से आप ये क्रूसिबल फर्नेस में यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसको कर सकते हैं। क्रूसिबल मतलब कटोरी जैसा एक पॉट जो कि रिफ्रेक्टरी मटेरियल का बना हो, और अब उसकी साइज डिपेंड करेगी कि हम उसको कितने मेटल को पिघला सकते हैं।
छोटी से छोटी यदि आप देखें, यही क्रूसिबल की मैं बात किया था पिछली क्लास में, सुनार लोग लेते हैं, बहुत छोटी सी कटोरी होती है जिसमें वो सोना डालते हैं और उसको पिघलाते हैं, या चांदी डालते हैं उसको पिघलाते हैं। कभी आपको देखने का मौका मिले तो किसी सुनार के पास जाए, छोटी सी दुकान कई जगह मिल जाती है, वो लोग पिघलाते हैं उसको। इंदौर में तो खैर काफी अंदर रहते हैं, वहां जा नहीं पाते हैं, शॉप से ही लेकर के आते हैं, लेकिन ये आप छोटी छोटी जगह पर जो करते हैं उनको आप देख सकते हैं। अब बात आ रही हमारी इलेक्ट्रिक फर्नेस की। इलेक्ट्रिक फर्नेस में हम बात करें तो इलेक्ट्रिक आर्क है, इसका भी अपने पास फिगर है। इलेक्ट्रिक आर्क अगर हम देखें, इसकी मतलब मैचिंग करें, तो हम ये देखते हैं कि हमने इलेक्ट्रिक आर्क वेल्डिंग पढ़ी है, जिसमें एक इलेक्ट्रोड होता है और एक बेस होता है जिसको हम ज्वाइन करना चाहते हैं पीसेस, उनके बीच में एक गैप होता है, गैप में स्पार्क जो है वो हमारा स्पार्क जो है वो हिट करता है और इंटेंस हीट डेवलप होती है और वो अपने मेटल को पिघलाती है। इसको हम यूजली यूज करते हैं इलेक्ट्रिक कार को, मेल्टिंग स्टील। मतलब आप इस चीज को देखें कि कौन सी फर्नेस कहाँ पर यूज होती है। कास्ट आयरन के लिए आपकी थी क्यूपला फर्नेस, जिसमें टनेज में चाहिए था, इसके बाद आपने डायरेक्ट फायर देखा, इसके बाद आपने क्रूसिबल देखा जिसमें कि हम यूजुअली सॉफ्ट मेटल एल्यूमिनियम अलॉय वगैरह करते हैं। अब हम यहाँ पर देखेंगे इसके बाद कि मेल्टिंग स्टील में जो इलेक्ट्रिक आर्क है इसको अपन फिगर देखें तो सेम आप देखेंगे, एक इसमें क्रूसिबल लाइक होगा, यहाँ पर स्पॉट बना होगा जहां से आप पिघली मेटल को लेंगे, यहां से आपका स्लैग निकलेगा, जो भी अशुद्धियां होंगी वो निकलेंगी, चूंकि माइल्ड स्टील के लिए है तो उसमें अशुद्धियां होंगी। यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड है जिसको आप सप्लाई देते हैं थ्रू ट्रांसफार्मर, हाई करंट लो वोल्टेज, यही प्रिंसिपल है अपने वेल्डिंग का भी। और यहाँ पर ये रूफ के थ्रू जाते हैं जो रिमूवेबल है, इलेक्ट्रिकल कंज्यूमेबल होते हैं, तो यहाँ पर ये स्पार्क प्रोड्यूस होने के कारण जो भी मेटल होता है वो मोल्टन स्टेज में जाता है और यहाँ से हम इसको टिल्ट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए टिल्टिंग मैकेनिज्म में इसको टिल्ट करेंगे और ये हमारा लेडल है, लेडल यानी जिसमें कि पिघली हुई मेटल को हम लेकर के जाते हैं। तो ये हमारी हो गई कौन सी वाली हो गई अपनी। अच्छा खैर आप लोग सभी म्यूट है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस। अब इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस के बाद हम चलते हैं आगे। अब इसमें जो बताया गया है वो इंडक्शन फर्नेस, इसके बारे में हम काफी डिटेल में देख चुके हैं। एसी पास होता है कॉइल के थ्रू, वर्किंग प्रिंसिपल इंडक्शन हीटिंग और जूल हीटिंग, मेल्टिंग होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है जिसमें एडी करंट पास होती है, एडी करंट हीट डेवलप करती है जूल इफेक्ट के कारण, इसको हम यूज करते हैं। माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, एल्यूमिनियम अलॉय, इनको हम यहाँ पे मेल्ट कर सकते हैं इंडक्शन फर्नेस। अब हम लेडल की जो बार बार बात कर रहे हैं, ये इंडक्शन फर्नेस का फिगर है जो कि हम काफी अच्छे से देख चुके हैं, इसको हम कोरलेस टाइप इंडक्शन फर्नेस बोलते हैं, तो आई थिंक अब इसको रिपीट करने की आवश्यकता नहीं होगी। लास्ट में हम देखें लेडल, लेडल जो बार बार हम बोल रहे हैं लेडल क्या है, ये लेडल बेसिकली मोल्टन मेटल, जो पिघला हुआ मेटल आपको फर्नेस में मिल रहा है उसको जहां पर आप मोल्ड कर रहे हैं, मोल्ड बना रहे हैं, केविटी में डाल रहे हैं, उसके बीच में इसको लाने ले जाने के लिए हम यूज करते हैं लेडल। तो ये देखिए आप, ये पॉट जो है ये लेडल कहलाता है, इसमें पिघली हुई मेटल होती है। अब ये वाला जो है यहाँ पर इसको अपन क्रेन के द्वारा लिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि इसका वजन ज्यादा है और ये टर्न हैंडल है, अपन टर्न कर देंगे, साइज बड़ी है। जैसे अगर आप भिलाई स्टील प्लांट में देखें तो वहां पर जो लेडल्स यूज होते हैं, कोई यदि भिलाई का हो तो अच्छे से उसने देखा होगा या किसी स्टील प्लांट में देखें, लेकिन छोटी छोटी फाउंड्रीज में हम ये इतना बड़ा मैकेनिज्म यूज नहीं करते हैं, बल्कि एक हैंडल बना लेते हैं जिसमें कि टू मैन हैंडल, एक आदमी यहाँ से उठाएगा, एक यहाँ से उठाएगा, और उसमें लेडल की साइज भी जो है वो काफी छोटी होती है। तो इस तरीके से आप देखें कि अभी हमने जो बात की है वो हमने बात की है फर्नेस की, फर्नेस डिफरेंट टाइप के, और फर्नेस में भी अगर हम देखें तो अब मैं आपको थोड़ा सा सोच रहा हूँ अनम्यूट कर दूं, जिससे इसमें भी आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप बात कर सकें। मैंने सभी को अनम्यूट कर दिया है। फर्नेस में यदि आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो वो कृपया मुझे बता दें, और ये रोल नंबर मेरे पास आ गए हैं, कुछ लोग बाद में जुड़े हुए हैं वो अपने रोल नंबर लिख करके चैट में डाल दें, मैं चेक कर लूंगा। बताइए अगर फर्नेस में आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो, टाइप्स में दर्शन को हो या दिव्या, दर्शन को एक क्वेश्चन है आपका, दर्शन दिव्यांश, चूंकि आप लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं तो यदि आप लोग क्वेश्चन हो तो आप इसको चैट में डाल दें, चैट में मैं इसको रेस्पॉन्स कर दूंगा। और अब मैं फिर से आप सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ, म्यूट कर रहा हूँ सभी को, क्योंकि
चिट है, तो उससे क्या होगा कि अपनी क्लासेस जो है बिना किसी डिस्टरबेंस के चलेगी। तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ सभी को, और अब आप लोग ओपन नहीं कर पाएंगे, इसको मैं मेरे एंड पर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कुछ चैट आई है, पहले मैं उनका जवाब दे देता हूँ। ये अटेंडेंस की चैट आ रही है, कोई क्वेश्चन की चैट नहीं आई है। आकाश ज्यादा बार बार एंट्री ले रहे हैं, बार बार बाहर हो रहा है, लगता है कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। सर टिल्टिंग आउट फर्नेस वर्क कैसे करती है, सचिन के द्वारा। आइए, टिल्टिंग आउट, टिल्टिंग आउट का मतलब आप समझिए, कोई भी फर्नेस हो, आप उसमें से जब मोल्टन मेटल को निकाल रहे हैं, यदि फर्नेस बड़ी है तो उसके या तो नीचे बॉटम में होल होगा या साइड में होगा जहां से आप मेटल को निकालेंगे। लेकिन यदि उसकी साइज छोटी है, साइज छोटी का मतलब इतनी छोटी नहीं, जैसे मैं बताऊं आपको, साइज छोटी का मतलब मैं यहां पर कहना चाहता हूं कि जब आपने छत डलती देखी है हमारे आसपास में, तो वहां पर एक मिक्सर आता है जो कि मिक्स करता है, और उसके बाद उसका जो कंटेनर जिसमें वो मिक्स में डालता है सीमेंट कंक्रीट और गिट्टी, सीमेंट कंक्रीट और रेत के मिक्सर को, इसके बाद जब अपन उसको जो बकेट में डालते हैं जो ऊपर जाती है, तो अपन उसको टिल्ट करते हैं, झुकाते हैं, एक हैंडल होता है, उसको हैंडल से वो झुक जाता है, यही मैकेनिज्म टिल्टिंग आउट में यहाँ पर होता है। तो मेरे ख्याल से टिल्टिंग का इश्यू तो अब आपका हो गया होगा, यदि हो गया हो तो आप यस लिख दें चैट में टिल्टिंग आउट मैकेनिज्म के बारे में। स्पाउट का मीनिंग क्या है, स्पाउट में आजकल आप लोगों ने एक टर्म सुनी होगी पाउट, वो यू करके मुंह करते हैं, यू फोटो खींचते हैं जब सेल्फियां, सेल्फी जब खींचते हैं पाउट इसको बोलते हैं। तो इसी तरह से फर्नेस का जो मुंह है जहां से पिघला हुआ मेटल आ रहा है उसको हम स्पाउट बोलते हैं। अब नहीं भूलेंगे ना स्पाउट है कि नहीं, जहां से मतलब पिघला हुआ मेटल हमको लेना है वो स्पाउट है। स्पाउट एक तरह की गेट है छोटे स्पेसिफिक पर्पस के लिए। तो चूंकि अभी हमारे पास समय की उपलब्धता है, तो मैं एक और चीज मैंने लिखा था उसमें कि यदि समय परमिट होगा तो मैं आप लोगों को चाहता हूं कि कास्टिंग डिफेक्ट जो हमारे पास थे, क्योंकि कास्टिंग डिफेक्ट आवश्यक रूप से आते हैं और इनको यदि हम देखें तो कास्टिंग डिफेक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो पहला वाला, अब कास्टिंग डिफेक्ट कम से कम 5 या 6 आपको फोटो बनाते आना चाहिए, लिखते आना चाहिए परीक्षा में, क्योंकि यदि ये नहीं हो पाता तो हमको नंबर नहीं मिल पाते और क्वेश्चन जरूर आता है। तो यहाँ पर 6 तरह के हैं, तो वो मैं आपको स्पेसिफिकली बता देता हूं। मिश्रण, मिश्रण आप नाम याद रख लें, जब हम मोल्ड में मोल्टन मेटल डालते हैं और ये कास्टिंग केविटी के अंदर पहुंचता है, मोल्ड के अंदर पहुंचता है, तो आप देख रहे हैं इसको यहां से लेके यहां तक जाना था, लेकिन ये स्थान जो खाली रह गया इसको हम बोलेंगे मिश्रण। ये आप चित्र बना दें, इसके बारे में लिख दें कि मिश्रण क्यों हो रहा है, कि ये जो हमारी केविटी है उसको पूरी तरीके से भरने के पहले ही सॉलिड हो गया, जो मोल्टन मेटल था वो एंड तक नहीं पहुंच पाया, और एंड तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि वो लिक्विड नहीं रह पाया बल्कि सॉलिडिफाई हो गया, तो इसको हम बोलते हैं मिश्रण। तो आप इस कास्टिंग डिफेक्ट को इमेज के द्वारा अपने दिमाग में बिठा लें जिससे कि आपको ये ना हो, तो ये है अपना मिश्रण। दूसरे तरीके पे यदि अपन आए तो यह है कोल्ड शट। कोल्ड शट के बारे में बोले कि आपका जो मोल्टन मेटल है यहां से जो आ रहा है, एक आपका ऊपर से आ रहा है और एक नीचे से आ रहा है, लेकिन यदि यहां से आने वाला भी और यहां से आने वाला भी जो मेल्टन है ये आपका हॉलो पोर्शन है, तो आपका फिल होगा यहां तक तो पूरा एक जैसा फिल होगा, लेकिन कुछ पोर्शन यहां से जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वो यहां से जाएगा, लेकिन दोनों तरफ से आने के पहले ही, यदि फ्यूजन होने के पहले, मतलब उसमें देखिए आप वो फिल नहीं कर रहा था, जबकि यहाँ पर दो तरफ से जो मोल्टन मेटल आ रहा है वो आपस में फ्यूज नहीं हो रहा, बल्कि यहाँ पे आने के पहले ही वो फ्रीज हो रहा है, जम रहा है। तो ये जो दो हिस्से दिख रहे हैं व्हाइट व्हाइट, इनको बोलेंगे अपन कोल्ड शट। टू पोर्शन ऑफ मेटल फ्लो टुगेदर बट देयर इज अ लेक ऑफ फ्यूजन ड्यू टू प्रीमेच्योर फ्रीजिंग। तो ये था हमारा कोल्ड शट। कोल्ड शट में अगर हम आगे देखें, कोल्ड शॉट है ये हमारा, इसमें आप देखें तो अभी फ्यूजन के कारण हो रहा था, लेकिन अब यदि हम यहाँ पर देखें कोल्ड शॉट की बात करें तो यहाँ पर मोल्टन मेटल चल रही है कि नहीं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जब ये मेटल स्पेटर्स ड्यूरिंग पॉरिंग एंड सॉलिड ग्रोवर्स फॉर्म, मतलब यहां से जो अपन डाल रहे हैं उस समय जो मेटल है वो क्या हो रही है, उछल रही है, जैसे पानी डालते हैं अपन तेज स्पीड में डाले तो
ऐसा बबल टाइप के ऊपर आते हैं, तो बबल टाइप के जो ऊपर आ रहे हैं वो यहाँ पर जो है खाली स्थान बना रहे हैं कास्टिंग में, इनको बोलते हैं कोल्ड शॉट। वो कोल्ड शॉट था SHUT, यह है SHOT, कोल्ड शॉट एंड कोल्ड शॉट। इसके बाद यदि हम यहाँ पर करें श्रिंकेज कैविटी की बात करूं मैं, श्रिंकेज कैविटी में आप देख रहे हैं यहाँ पर, अब आप ये पिक्चर वैसी देख रहे होंगे कि जैसी पहले थी, वो साइड में थी, उसको अपन ने मिश्रण बोला था, इसको अपन बोल रहे हैं श्रिंकेज कैविटी। अब इसमें क्या हो रहा है कि इसमें मोल्टन मेटल जो जा रही है वो आपकी ऊपर की तरफ जाते जाते ही पहले जम गई है, मतलब इसके डिफरेंट रीजन दिख रहे हैं जो कि लास्ट रीजन में, वो लास्ट रीजन नहीं था जब यहां से गए थे, वो मिश्रण था कि वहां तक जाते जाते, यहाँ पर देखिएगा कि कैविटी पूरी फिल हो रही है। फिल होने के बाद इसको राइजर के थ्रू निकल के ऊपर आना था, लेकिन राइजर के थ्रू ना निकल के उसके पहले ही सोलिडिफाई हो जाए, तो इसको बोलेंगे अपन श्रिंकेज कैविटी। श्रिंकेज कैविटी के बाद हम और देखते हैं, तो यहां पर हमको पता लग रहा है सैंड ब्लो। यदि हम यहाँ पर देखें सैंड ब्लो में क्या हो रहा है कि एक कैविटी बन रही है और वो बन रही है बलून शेप, मतलब बलून गुब्बारे के आकार की बन रही है। और ये क्यों बन रही है, क्योंकि यहां पर जो था मोल्ड की गैसेस, मोल्ड में जो मॉइस्चर थी उसने हॉट मेटल से रिएक्शन करके क्या बना लिया, हॉट गैसेस, और वो हॉट गैसेस जो है यहाँ पर लॉक हो गई है, वर्ल हो रही है यहाँ पर। तो ये हमारे कारण यहाँ पर एक्चुअल में मेटल नहीं बन पा रहा है बल्कि बबल बन गया है या बैलून बन गया है, बैलून शेप। बबल में टॉप फ्री रहता है, इसमें पूरा कवर्ड है, तो दिस इज अवर सैंड ब्लो। सैंड ब्लो के बाद हम नेक्स्ट में आते हैं पिन होल्स। अब इसमें और उसमें क्या अंतर है, उसमें एक ही बबल बना था बड़ा, लेकिन इसमें छोटे छोटे बन रहे हैं। और ये हमारा बेसिकली अगर हम देखें छोटी छोटी गैस कैविटीज बन रही है, उसका रीजन जो हो रहा है वो रीजन उसमें ये बन रहा है कि हमने जो वेंटिंग की थी वो प्रॉपरली नहीं थी, जिससे कि हमारी जो गैसेस थी वो प्रॉपरली बाहर नहीं निकल पाए। जो वेंट होल से हम वेंट होल से करते हैं स्पेस, मतलब स्पाइक से हम वेंट होल्स बनाते हैं मोल्ड के अंदर, वो नहीं बना पाए प्रॉपरली, जिससे कि वहां पर जो भी हॉट गैसेस जनरेट हो रही थी उनको निकलने की जगह नहीं मिली, और यहाँ पर ये पिन होल्स आपको दिख रहे हैं। हम इसके बाद आगे चलते हैं, और उसके बाद में है आपका पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन का मतलब ये हो गया, यदि आप पानी को डालें किसी बर्तन में, तो पानी को बर्तन में यदि आप ज्यादा ऊंचाई से डालें तो वो इस तरीके से उचकता है। अब यदि इसको आप देखें कि यदि मैंने मेल्टन मेटल डाली और उसकी स्पीड ज्यादा कर दी, हाई फ्लूडिटी ऑफ मेटल इज हाई, तो वो क्या कर सकती है कि जो सैंड है उसको पेनिट्रेट कर सकती है, तो वहां पर स्पेस बना लेगी, और वहां पर सैंड की जगह पर आपको क्या दिखेंगे, ये इस तरह के इरेगुलर शेप्स दिखेंगे, जिनको अपन बोलेंगे पेनिट्रेशन। यानी इसमें क्या हुआ कि अनवांटेड जो ये पीस देख रहे हैं आप, ये सैंड को रिमूव कर करके और यहाँ पर मोल्टन मेटल सोलिडिफाई हो गई, ये कहलाएगा पेनिट्रेशन, मतलब मेटल ने मोल्ड के अंदर पेनिट्रेट किया है। तो ये हमारा पेनिट्रेशन था। एक लास्ट और अपन देख लेते हैं मोल्ड शिफ्ट, जिसको अपन बोलते हैं मोल्ड शिफ्ट। आप देख रहे हैं कि इसमें जो अलॉन्ग द पार्टिंग लाइन जो कूप और ड्रेग है वो एक दूसरे के ऊपर अलाइंड नहीं है, बल्कि क्या होगा, शिफ्ट होगा, इसको अपन शिफ्ट बोलते हैं, है ना। तो वैसे तो मैंने क्लास में आपको 20 टाइप्स के डिफेक्ट्स बताए हुए हैं, उनकी आपको रीजन क्या क्या है और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो आपको किसी भी यदि एग्जाम में आता है तो सबसे पहले लिखना है आपको उसका नाम, की कास्टिंग डिफेक्ट का नाम, जैसे मोल्ड शिफ्ट। फिर इसके बाद आपको लिखना है मोल्ड शिफ्ट को लिखने के बाद फिर आपको लिखना है कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें अलॉन्ग द पार्टिंग लाइन और कूप और ड्रैग अलाइन नहीं है। फिर इसका करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि वी शुड परफेक्टली अलाइन, एक दूसरे के ऊपर प्रॉपर तरीके से रखें, हुक्स यूज करें या पिंस यूज करें, जिससे कि कूप और ड्रैग एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर फिट हो, जिससे हमारा मोल्ड शिफ्ट ना हो। तो ये चार पॉइंट में आपको लिखना है, पहले नाम, इसके बाद कारण, इसके बाद उसका निदान। तो इस तरीके से ये 5-6 मैंने स्पेशली इसलिए दिखा दिए हैं क्योंकि एग्जाम का टाइम है और ये क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस तरीके से हम देखें कि हमने आज की क्लास में जो बातचीत की थी, शुरुआत में हमने जो हमारा लेसन प्लान देखा था, उस लेसन प्लान पर मैं फिर से आता हूँ। और उस लेसन प्लान में हमने ये कहा था कि हमको आज जो पढ़ेंगे, हम सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट फर्नेसेस यूज्ड इन फाउंड्रीज। तो अगर मैं नाम की बात करूं
तो नाम में अब आप बता सकते हैं इलेक्ट्रिक आर्क, ये शुरू से करें अपन, क्यूपला, फिर डायरेक्ट फायर्ड, फिर अपन देखें क्रूसिबल, इलेक्ट्रिक आर्क। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप की फर्नेसेस कौन कौन सी होती हैं, उसमें स्पेसिफिकली हमने क्रूसिबल फर्नेस के बारे में डिटेल में जाना है। और क्रूसिबल के बाद फिर हमने हमारा टाइम परमिट किया था, टाइम परमिट्स, तो हमने यहाँ पर कुछ फ्यू कास्टिंग डिफेक्ट्स देखे। इस तरीके से अब में जो है आपका अभी तक का जो था, हमने डिफरेंट टाइप की फर्नेसेस देखी है। अब मैं यहाँ पर एक्चुअली ये पहले मुझे लेना था, लेकिन मैं एग्जाम ओरिएंटेड चल रहा था तो मैंने कहा पहले क्यूपला आपको पढ़ा देते हैं। बट अब नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो स्पेशल टाइप ऑफ स्पेशल कास्टिंग मेथड्स पर डिस्कस करेंगे। हम यहाँ पर हम स्पेशल कास्टिंग मेथड्स पर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट से। तो आप यदि देखें तो आपको इसमें पता लगेगा कि दो तीन तरह की कास्टिंग है जो बहुत आती है और बड़े अच्छे नंबरों की आती है। तो हम नेक्स्ट में स्पेशल कास्टिंग मेथड देखेंगे। स्पेशल कास्टिंग मेथड में नेक्स्ट क्लास शुरू करने के पहले मैं कुछ नाम लेता हूं जिससे आप अवेयर हो जाएं कि कौन कौन सी मेथड्स होती हैं। उसमें एक आपको आती है सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग मेथड, उसके भी तीन सब हेडिंग है। सेंट्रिफ्यूगल कास्टिंग आप देखेंगे, अपकेंद्री कास्टिंग, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा पेपर में। या आपको डाई कास्टिंग मिलेगा, डाई कास्टिंग में बहुत तरह की होती है, बट प्रेशर डाई कास्टिंग में हार्ट और कोल्ड चैम्बर, हार्ट चैम्बर डाई कास्टिंग और कोल्ड चैम्बर डाई कास्टिंग, ये दो प्रश्न अधिकांशतः मिलते हैं जो मैंने देखे हैं। तीसरा एक इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी मिलता है जिसको हम निवेश कास्टिंग बोलते हैं, या लॉस्ट बैग्स, उसमें जो है आपका मोम पिघल जाता है तो वो वाला रहता है। तो इस तरीके से हम इन तीन कास्टिंग के बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, जो कि मैं डे आफ्टर टुमारो लूंगा। इस बीच में चैट पर कुछ आया, पेनिट्रेशन डिफेक्ट वंस अगेन, ओके स्पाउट तो हो गया था, पेनिट्रेशन वंस अगेन की बात करें हम, तो पेनिट्रेशन की बात ये हुई कि आपने जो मेटल डाला वो लिक्विड था और इतने उसमें वेलोसिटी थी कि वो कैविटी के अंदर जो सैंड का मोल्ड है उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया, या तो नीचे कर गया या फिर फिल होते समय ऊपर कर गया। तो होगा क्या कि वहां से सैंड हट जाएगी और मेटल पेनिट्रेट कर गया है तो वहां पर छोटे छोटे से स्पाइक्स जो आप देख रहे थे उसमें, वो स्पाइक्स जैसे बालों की स्पाइक्स होती ना ऐसे वो खड़े हो जाएंगे, वो हमें चाहिए नहीं थे हमारी कास्टिंग में। बाद में हम जब कास्टिंग क्लीनिंग में जाएंगे तो हम उनको कटिंग कर देंगे तो वो जाकर के हमारा क्लियर होगा। ये था हमारा पेनिट्रेशन जो आपने पिक्चर से भी समझ लेंगे। तो आई थिंक यहां तक हम अपनी क्लास खत्म करते हैं। आपकी चैट का मैंने जवाब भी दे दिया है, अभी मुझे कोई चैट भी नहीं मिल रही है, रोल नंबर्स मुझे मिल गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा। बट यहाँ पर देखें हम, तो नेक्स्ट क्लास में जाने के पहले हमारे पास तीन